अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे, 8 भारतीय नागरिकों को कतर की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। कौन थे वो भारतीय नागरिक, कहाँ से उनको अरेस्ट किया गया है और क्या उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा है और क्यों उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है, वो भी इसमें बताएंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है शॉक्ड है, क्या उसके तरफ से रिप्लाई आया है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, वो भी आपको बताएंगे। और इसमें कनेक्शन जो एक जोड़ा गया है, इसराइल का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि अभी इस समय इसराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में भारत नहीं आया और उसने इसराइल का समर्थन कर दिया, इसके वजह से जो है कतर ने ये कदम उठाया है, कतर ने जो है बदला लिया है भारत से। क्या है ये सब चीज़ें, ये सब इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली मेरे इस चैनल पर गल्फ कंट्री के रिलेटेड जो है अपडेट्स और न्यूज़ आते रहते हैं, जो गैर मुल्कियों के लिए भी रहते हैं जो लोग वहाँ वर्किंग हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात कर लेते हैं कि उन 8 भारतीय नागरिकों को कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनका इल्ज़ाम उनके ऊपर क्या लगाया गया है। जुर्म उनका ये था कि वो लोग जो है इसराइल के लिए खुफिया जानकारी शेयर करते थे कतर की। ये कतर की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको अरेस्ट किया था 2022 में अगस्त के महीने में। अब ये लोग कौन है, ये 8 नागरिक जो हैं इंडिया के हैं, 3 जो है कैप्टन हैं और 3 जो है ऑफिसर्स हैं। तो ये तीनों रिटायर्ड थे, फिर इनको जो है एक कंपनी में जॉब लगा कतर में, कतर की एक कंपनी है वहाँ पे ये लोग जो है ट्रेनिंग देने का काम करते थे, कतर के डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह में जो वर्कर रहते हैं काम करने की, तो उन लोगों को ये लोग ट्रेनिंग देते थे, वहाँ पे इनका जॉब था। उसी जॉब के दौरान जो है इन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा 2022 में कि ये लोग कतर की खुफिया जानकारी इसराइल को शेयर कर रहे हैं। तो ये है इसराइल वाला एंगल। इस जुर्म में इन लोगों को 2022 में अरेस्ट किया गया। अभी जो वार चल रहा है इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब उस समय जब ये लोग इतने दिन तक जेल में थे, इनके ऊपर केस चला, फैसला अभी एक अदालत ने सुना दिया कि इनको जो है सजाए मौत दिया जाएगा, क्योंकि ये मतलब एक देशद्रोह टाइप का चीज़ है। तो आप किसी एक देश की जानकारी को दूसरे देश से साझा करते हैं, ये बड़ा क्राइम है, उसके लिए वहाँ सजाए मौत है। अब इसको जो है कई लोग ये कह रहे हैं कि ये कतर ने इस समय किया है जब कतर और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, उसका वार चल रहा है, और जिसमें भारत ने जो है वो इसराइल के साथ खड़ा होने का फैसला लिया था और कहा था कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, तो इसका बदला कतर ने लिया है, कई लोग ये कह रहे हैं। हालांकि मिनिस्ट्री की तरफ से जो ये आया है, उन्होंने मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो 8 इंडियन लोगों को जो है जो एक्स आर्मी थे, मतलब एक्स नेवी में थे वो लोग, तो नेवी ऑफिसर थे, उनको जैसे ये सज़ा सुनाई गई है मौत की, इससे हम पूरी तरह शॉक्ड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये कहा गया कि हम पूरी तरह से शॉक्ड हैं और अब इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे, हम कतर से बात भी करेंगे और इस फैसले को जो ये मौत की सज़ा सुनाई गई है इसके खिलाफ जो है हम चैलेंज करेंगे और इसके कतर के जो ऑफिसर्स हैं या फिर कतर जो मिनिस्ट्री है उससे बात करके इन सब को ये करेंगे मैटर को जो ये करके, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ये नागरिक हैं इंडियन, इन सबको वापस भारत बुलाया जाए सही सलामत, और इनकी फैमिली को भी, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इन लोगों ने मतलब एक तरह से जो है उनके साथ खड़े रहने का, उनको टेंशन नहीं लेने का और उनको जो है हिम्मत देने का बात कहा है इन लोगों ने, और कहा है कि हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो ये दरअसल ये है पूरा मामला, जिसको अगर आप जो है न्यूज़ पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कतर ने बदला ले लिया, कतर ने धोखा दे दिया, तो कतर ने ये कर दिया। हालांकि जब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, अगर किसी निचली अदालत ने ये फैसला सुनाया है तो ऊपरी अदालत तक ये मामला जाएगा, अगर उसको कुछ सबूत मिले होंगे तो उसने मौत की सज़ा सुना दी। लेकिन अब इसको इंडिया चैलेंज कर सकता है, जब गवर्नमेंट चैलेंज करेगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी और उस पर जो है छानबीन और तफ्तीश चालू होगी, उसके बाद से इसको हो सकता है कि रोक दिया जाए जो मौत की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या आखिर जो है पूरा मैटर होने वाला है और कैसे इन लोगों को सज़ा होगी मौत की, या फिर ये लोग रिहा होंगे, ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन वो हल्ला जो है इंडिया के मीडिया में बहुत ज़्यादा है।